डिजायर गाड़ी पे कितना काम कर सकते हैं, ठीक है, डिजायर या सडान जिसको बोलते हैं, सडान कैटेगरी में सडान गाड़ी पे हम कितना काम कर सकते हैं। तो सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों क्या हाल चाल है आप लोगों को? ठंड कुछ ज्यादा ही है। अब कहां हूं मैं आपको बताता हूं। दोस्तों मैं हूं आज, अभी तक मैं धुलौंटी में हूं, बर्फबारी तगड़ी पड़ रही है यहां पे, -6 की डिग्री जा चुकी थी सेंसेल्स सुबह में, मतलब रात में, अभी -2 पे है, ठीक है। और मैं गाड़ी का CNG तक जम गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये वाली बात सब है, तो चलिए दोस्तों अभी काम के अपन बात करेंगे, ठीक है। और आप लोग सब सॉरी हाथ जोड़ के, क्योंकि 2 दिन ब्लॉग नहीं आ पाया प्रॉपर तरीके से आप लोगों का काम के लिए। आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो कैसे आपको मेरा अपडेट मिल पाएगा, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को अपडेट देने के लिए ये इंस्टाग्राम आईडी चल रहा है, यहाँ पे आप लोगों को इंस्टा को फॉलो कर लीजिए। मैं जिस रूट पे जाता हूँ उस रूट का तुरंत तुरंत वीडियो डालता रहता हूँ, मतलब जितना टाइम मिलता है 1 घंटा आधा घंटा आगे पीछे डालता रहता हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा ना कि आप लोगों का कोई डाउट होगा तो आप मिल भी सकते हो, व्हाट्सएप पे कनेक्ट भी कर सकते हो, इंस्टा पे भी कनेक्ट कर सकते हो। उससे क्या होता है कि जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाएगा, है ना। यूट्यूब पे क्या होता है, कमेंट बहुत डीले रिप्लाई मिल पाता है क्योंकि यूट्यूब का कमेंट में ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, टाइम ही नहीं मिलता है इसलिए। तो चलिए दोस्तों अपन करते हैं काम की बातें आज। कि भाई बहुत लोगों का डाउट था कि हम डिजायर गाड़ी पे कितना काम कर सकते हैं, ठीक है, डिजायर या सडान जिसको बोलते हैं सडान कैटेगरी में, सडान गाड़ी पे हम कितना काम कर सकते हैं। तो आज उसी के बारे में आपको आज पूरा भील मतलब खुलने वाला है चिट्ठा। तो आप लोग बस बने रहे ब्लॉग में, और ब्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या होता है कि आप लोग को अपडेट नहीं मिल पाता है दोस्तों, है ना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने काम पे। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आप लोग को सडान गाड़ी का मतलब क्या है और सडान गाड़ी किसको बोलते हैं। जैसे सडान में हम आप काउंट कर सकते हैं कि ऑरा हो गया, डिजायर हो गया, एटियोस्ट हो गया, ये गाड़ी मार्केट में अच्छा डिमांड है, ठीक है। इस पे काम कितना होता है ऑल ओवर में आज वो भी बताने वाला हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मोस्टली मॉडर्न आज के डेट में एज अ कस्टमर, आप कस्टमर होंगे तो आप भी यही सोचेंगे कि मुझे 2 पैसा बचना चाहिए, है ना। तो 2 पैसा बचाने के चक्कर में लोग क्या बुक करते हैं, उबर बुक करते हैं। तो उबर बुक करने के लिए दोस्तों क्या होता है कि उबर के ना जब सर्च करते हैं तो सबसे पहले आता है उबर गो, फिर सडान, फिर प्रीमियम, फिर एक्सल, फिर ऐसा करके आता है, कैटेगरी खुलता है, ठीक है। वहां पे सबका रेट अलग अलग होता है लेकिन सभी में 4 ही सीटर गाड़ी होती है, एक्सल में सिर्फ 7 सीटर गाड़ी आ जाती है, मतलब 6+1, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिए आप लोग यहाँ पे डाउट रहता है कि भाई डिजायर गाड़ी पे ज्यादा काम होता है या अर्टिगा, उस पे अर्टिगा पे या वैगनआर पे। तो दोस्तों देखिए ओला उबर एक ऐसी लाइन है जहां पे आप काम करने के लिए सुबह सुबह निकलते हो, ठीक है। इससे पहले ब्लॉग में भी मैंने बताया था वैगनआर में कि टाइमिंग क्या है, उस पर भी आप प्रॉपर वीडियो जाकर देखिए कि कितने बजे निकलना चाहिए, कितना काम होता है वैगनआर पे और डिजायर का भी मैं बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों सडान गाड़ी हो या डिजायर गाड़ी हो दोनों को बराबर काम काउंट किया जाता है, बस शर्ते ये होता है कि आपके पास कैरियर लगा हो। तो सडान में क्या होता है कि कैरियर वाली गाड़ी मांगते हैं लोग। रीजन क्या होता है कि जैसे रेलवे स्टेशन जाना हो या फिर अपना एयरपोर्ट जाना हो या कहीं आउट स्टेशन ट्रेवल करना हो तो कस्टमर जाहिर सी बात है 2 से 3 बैग लेके जाएगा, ये भी बात है ना। तो ये बात की वजह से सडान गाड़ी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, ठीक है। अब मॉडर्न आप देखे होंगे कि सडान गाड़ी पे लोग वैगनआर की भी ड्यूटी करते हैं और सडान की भी ड्यूटी करते हैं, प्रीमियम गाड़ी की भी ड्यूटी करते हैं, ठीक है। बशर्ते ये है कि आपकी गाड़ी साफ सुथरी कितनी होनी चाहिए, मेन बात ये होता है। नहीं तो आप अगर ऐसे तरीके से करते हो कि भाई मैं गंदी गाड़ी रखूंगा ऐसा वैसा तो काम नहीं मिलने वाला दोस्तों, ये बात तय है। लेकिन हाँ ये भी हकीकत है कि आपको 10 रुपए किलोमीटर से ज्यादा नहीं देने वाला है कोई कस्टमर, क्योंकि हमसे ज्यादा अच्छे मार्केट में बहुत लोग बैठे हुए हैं और कंपटीशन के बाजार में कंपटीशन को कैसे आपको करना है मार्केट के लोगों से या मार्केट में, तो आपको अपनी रेट को सही करना पड़ेगा। बहुत लोगों को नेगेटिविटी रेट मिलता है कि भाई 12 रुपए किलोमीटर प्लस टोल स्टेट मांगते हैं तो इस वजह से दिक्कत होती है दोस्तों, है ना। तो कई बार ऐसा, लेकिन आप 10 रुपए किलोमीटर टोल स्टेट मांगते हैं बाहर की ड्यूटियों पर तो आप लोग को इजिली काम मिलेगा और ओला उबर में तो अपना काम मिलता है दोस्तों, है ना। तो आप लोग इस टेक्निक को फॉलो कीजिए, आप लोग देखिए काम कितना मिलता है, खुद से कोशिश कीजिए कि वो करने के लिए मतलब अपना क्या कहते हैं अपनी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों ये टेक्निक आपको फॉर्मूला अपनाना चाहिए मेरे हिसाब से। मार्केट का जो हालात चल रहा है इस टाइम, देखिए काम
है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि नहीं काम है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप लोगों को भी टेक्निक अपनाना चाहिए, और इससे क्या होगा कि काम बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ठीक है। और हमारे हिंदुस्तान में ना 125 करोड़ जनसंख्या थी, आज के डेट में 140 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है दोस्तों, है ना। तो आप लोगों को कभी भी ना डिमोटिवेट नहीं होना है, कभी भी मार्केट में आपको एक्टिव रहना है हमेशा, और नजर रखिए कि कौन से एरिया में कितना काम निकल रहा है, वहां जाने की कोशिश कीजिए हर समय। देखिए जैसे अब मैं इस महीने की आपको अर्निंग बताऊं ना, तो आप हिल जाएंगे सुन के, ठीक है दोस्तों। तो ये सबसे बड़ी बात है, अगर अर्निंग की बात कर ही दिया हो तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूं कि इस महीने में मेरा आउट स्टेशन ट्रैवल करके मैं कितना कमाया हूं दोस्तों। देखिए मैं एक गाड़ी, दो गाड़ी की ईएमआई भर चुका हूं, ठीक है, घर के खर्चे जा चुके हैं, ठीक है, फोन की ईएमआई जा चुकी है, गाड़ी की ईएमआई है 15,000 रुपये, ठीक है। तो दो किस्त भरी है, एक टूट गया था बीच में, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से पैसे ज़्यादा खर्च हो गए थे। तो इस वजह से दोस्तों मैं बताता नहीं था किसी को अपनी पर्सनल लाइफ की बातें, लेकिन आप बता देता हूँ। तो 30,000 तो ईएमआई जा चुकी है, ठीक है, उसके बाद मकान का रेंट जा चुका है 9,000 रुपये, जोड़ते रहिएगा, ठीक है, कितना हुआ 39,000 रुपये, ठीक है। फ़ोन का ईएमआई जा चुका है 3,000 रुपये, जिसकी जिस फ़ोन से आप वीडियो देख रहे हैं उसी फ़ोन का ये ईएमआई है पे है, तो महंगा फ़ोन लिया था वीडियो बनाने के लिए, तो इसका भी 3 EMI बचा हुआ है 3,000 रुपये का, तो दो भर दिए ये बचा है, तो 42,000-42,000 रुपये हो चुका है, ठीक है। अब बात बताते हैं कि ऑलरेडी 10,000 रुपये और इन्वेस्ट खर्च कर चुका हूँ मैं, मतलब और चीज़ों में। तो आप देखिए 49,000 रुपये अभी तक का प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है, 49,000 रुपये रहा, और उसके बाद घर के खर्चे जो मैं बता रहा हूँ, बताया था ना कि दे चुका हूँ उसका मैं जुड़वा देता हूँ, वो घर के खर्चे कम से कम मेरा जो खर्चा हुआ है 8,000-9,000 रुपये हुआ है। तो भाई एवरेज ऑन 60,000 रुपये पर महीने आप कमा सकते हो, ये वाली बातें हैं, लेकिन बशर्ते ये है कि आप मेहनत कितना करते हो, मेहनत जितना करेंगे उतना आपकी प्रॉफिट होगी, उतनी अच्छी अर्निंग होगी दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिए, मेहनत कीजिए, रोड पर निकलिए टाइम टेबल से, और लोकल चलाना लोकल चलाइए, आउट स्टेशन चलाना आउट स्टेशन। आप इसको इस तरीके से भी टेक्निक अपना सकते हैं, जैसे कि आपने ओला में काम कर रहे हैं तो ऊबर का आउट स्टेशन सिर्फ खोल के छोड़ दीजिए, ऊबर का आउट स्टेशन जहां बजे वहां एक्सेप्ट कीजिए, बाहर निकल दीजिए, ठीक है। या ऊबर में काम कर रहे हैं तो ओला का आउट स्टेशन कैटेगरी खोल के छोड़ दीजिए, बाकी बंद कर दीजिए, आप वहां पे काम कर सकते हैं दोस्तों। इससे क्या होगा, आउट स्टेशन ही बुकिंग आप लोग को सबसे ज्यादा मिल पाएगा दोस्तों। ऐसे में क्या होता है कि आप वेट करते रहते हैं कि आउट स्टेशन बजेगा, मिलेगा ड्यूटी, नहीं मिलेगा, तो इसमें दिक्कत होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो जय हिंद जय भारत, वंदे।